हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा हेल्दी लाइफस्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाइपर एसिडिटी के बारे में। जी हाँ, ये हाइपर एसिडिटी आजकल इतना बेकार लाइफस्टाइल हो रखा है कि जो उसी के कारण ये हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम अधिकतर सभी लोगों को में देखने को मिलती है। जी हाँ, तो पहले हम ये जानते हैं कि ये हाइपर एसिडिटी होती क्या है। जी हाँ, देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन पचाने वाले जो एसिड्स होते हैं, रस होते हैं, जब इनकी बहुत अधिकता हो जाती है तो उसको हम हाइपर एसिडिटी कहते हैं। जी हाँ, इसमें पाचन प्रणाली लगातार उत्तेजित होकर बहुत क्रियाशील रहती है, जिसमें असमय और अधिक मात्रा में जठर रस और अम्ल का श्रवण होने लगता है, यानी कि वो स्राव जो है वो बढ़ जाता है। और साथ ही आमाशय खाली होने पर जठर भित्ति, यानी कि जो स्टोमक वॉल होती है हमारी, वो बहुत क्रियाशील हो जाती है और उत्तेजित होकर उसमें ऐठनसी होने लगती है। अगर व्यक्ति में जठराग्नि की अधिकता की यह स्थिति लगातार बनी रहती है तो भविष्य में रोगी को जठर में दर्द, जिसे हम गैस्ट्रोसिस और पेप्टिक अल्सर होने की भी संभावना हो सकती है। जी हाँ, तो ये होती है हाइपर एसिडिटी। अब इसका हम कारण जानते हैं कि ये होती क्यों है। जी हाँ, हाइपर एसिडिटी का मूल कारण है, लगातार हम जब कुछ खाते रहते हैं तो हमारी जो लार ग्रंथियाँ हैं और जो स्वाद पिंड है हमारे, जिनसे हम स्वाद का अनुभव करते हैं, तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है, पेट में पाचन क्रिया लगातार उत्तेजित होती रहती है, जिससे क्या होता है, रसों की जो ग्रंथियां होती हैं उनसे स्राव अनियमित होने के कारण हमारे को एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, हमको एसिडिटी हो जाती है। तो इसका मेन कारण क्या समझ में आता है कि इसका मेन कारण है कि भोजन में अनियमितता, यानी कि अगर हम नियमित भोजन नहीं करते, यानी कि हमारे भोजन करने का कोई समय नहीं है, तो हम हाइपर एसिडिटी का ये मूल कारण है कि हम समय पर भोजन नहीं करते। तो हम व्यक्ति को अपना भोजन समय से करना चाहिए। जी हाँ, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे हमारे जो जठर रस हैं उनके स्राव की एक नियमितता बनी रहती है, जिससे हमारी जठर ग्रंथियों को पता रहता है कि कब और कितनी मात्रा में रसों का स्राव करना है। परंतु जब व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता है तो क्या होता है, और अनियमित खान पान का व्यवहार अपनाता है, यानी कि कुछ भी खा लिया, तो जठर ग्रंथियां भी अनियमित व्यवहार करने लगती हैं। जैसे कम भोजन करने पर जठर रसों का स्राव आवश्यकता से अधिक हो जाता है, यानी कि अगर हम कम भोजन कर रहे हैं तो कम स्राव होगा, और जिसे अति अम्लता कहते हैं। जी हाँ, अगर हमने खाया कम है और रसों का स्राव ज़्यादा हो गया तो हम हाइपर एसिडिटी से ग्रसित हो जाएंगे। जी हाँ, और दूसरा इसका मेन कारण है अनुपयुक्त आहार। जी हाँ, असंतुलित भोजन की अति अम्लता का कारण होता है। जी हाँ, असंतुलित भोजन जो हाइपर एसिडिटी का मेन कारण होता है वो यही होता है। और इस प्रकार से भोजन को केवल स्वाद के लिए खाया जाता है, जिसमें केवल स्वाद की ही तृप्ति होती है, शरीर को पोषण नहीं मिलता है, जैसे मिठाइयाँ, अधिक मिर्च मसाला खाना और बाहर के कुछ फास्ट फूड खा लेते हैं, जो अधिक घी तेल युक्त पदार्थ खाते हैं या तेज सुगंध युक्त पदार्थ खाते हैं, चीज़ें हम अपने भोजन में शामिल कर लेते हैं, जिसमें से अच्छी खुशबू आती है, अच्छे चटपटे जो भोजन होता है वो हम खाते हैं, तो यह स्वास्थ्य पर हमारे विपरीत प्रभाव डालते हैं, अच्छा प्रभाव नहीं डालते हैं। और कुछ कारण ये होते हैं कि जैसे हम अपने मन की संतुष्टि के लिए और अपने दिमाग को सही करने के लिए बार बार खाते रहते हैं और खाने की आदत को उत्पन्न कर लेते हैं। इसका सीधा प्रभाव हमारी जठर ग्रंथियों पर पड़ता है, जिससे वे अनियमित रस स्राव करने के लिए प्रेरित हो जाती हैं,
क्योंकि उन्हें बार बार खाने की आदत इस प्रकार इस बात के लिए बाध्य करती है, तो क्या होता है कि जठराग्नि लगातार उत्तेजित होने के कारण बहुत क्रियाशील हो जाती है, जिसके कारण लगातार रस और अम्ल स्रावित होकर इकट्ठे होने लगते हैं, जो इस तथ्य पर निर्भर ही नहीं करते कि पेट में पचाने लायक भोजन है भी या नहीं। तो इस प्रकार भी व्यक्ति भोजन के माध्यम से अपनी क्षणिक यानी कुछ समय की संतुष्टि के लिए अनजाने में अपने शरीर को बहुत कष्ट प्रदान करता है। जी हाँ, और अब मेन आते हैं कि अगर हमें हाइपर एसिडिटी हो गई है तो उसके लक्षण क्या होंगे। जी हाँ, इसके लक्षण ये होंगे कि जब आमाशय में हाइपर एसिडिटी होने पर जलन महसूस होती है और साथ ही दर्द भी होता है, तो हाइपर एसिडिटी होने के कारण ही हमारी ईसोफेगस के निचले हिस्से का प्रदाह है, यानी कि क्या होता है, जो हमारी ग्रसन नलिका होती है तो उसके निचले हिस्से में हमें ऐसी जलन सी महसूस होती है। जी हाँ, और यह दर्द और जलन छाती के बीचों बीच वाली हड्डी के पीछे होता है। जी हाँ, यह भोजन खाने के तुरंत बाद शुरू हो जाती है। जो इसकी मेन जो लक्षण होता है वो यही होता है कि इस तरह से छाती में जलन और दर्द होता है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमें एसिडिटी बन रही है, हाइपर एसिडिटी हो रही है। तो इसका उपचार हम कैसे करें, अब आते हैं इसके उपचार पर। इसका उपचार करने के लिए हमें ठंडे पानी का सेवन बहुत करना चाहिए, बहुत लाभ पहुंचाता है ठंडे पानी का सेवन, जितना हो सके आप ठंडा पानी पीजिए। और क्या होता है कि पेट में ठंडे पानी की पट्टी से भी लाभ पहुंचता है, यह पेट की गर्मी को बाहर खींचता है। पूर्ण ठंडे पानी का स्नान करने से भी शीतलता प्रदान होती है। और जो इसका मेन पॉइंट है कि आपको नियमित एवं संतुलित आहार का सेवन करना भी चाहिए, इससे आपको परमानेंट इसका सॉल्यूशन मिल जाता है अगर आप नियमित संतुलित आहार करते हैं। और जो ये होता है कि अगर आपको एसिडिटी हाइपर एसिडिटी हो गई है तो क्या होता है कि हम उल्टी करके भी जो अतिरिक्त पित्त बन गया है तो उल्टी करके भी हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, जिससे जो रोगी होता है उसको आराम मिलता है। जी हाँ, लेकिन सबसे मेन पॉइंट यही आता है कि अगर हम अपने नियमित जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हम खाते हैं पीते हैं, तो अगर हम वो अपना सही कर लें तो हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं और परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं, अगर हम इन चीज़ों का ध्यान में रखे हैं कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है और किस तरह से हमें चीज़ों को लेना है, तो हमें इस प्रॉब्लम का सामना करना ही ना पड़े। तो आई होप आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करें, और जिससे और लोगों को भी फ़ायदा हो पाए और वो इन्फॉर्मेशन को जान पाएँ। तो फिर मिलती हूँ मैं अपनी एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ अपनी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।